क्या हाल है आपका? ठीक होंगे, उम्मीद है आप ठीक होंगे। नाज़रीन, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था शफ्ट लगाने का तरीका, जो मैंने लगा दिया है इस मशीन में, तो देखिए घूम रही है। उसके बाद मैंने व्हील फिट किया। अब आपको मैं बताऊंगा कि हत्थी, जो हैंड हत्थी, हाथ वाली, ये कैसे फिट की जाती है, जिसने पूरी मशीन को घुमाना है, पूरी मशीन को घुमाना है। तो अब आपके सामने मैं फिटिंग करूंगा, तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये बोल्ट है, इसको यहाँ पर लगाना है, इस चूड़ी में यहाँ से गुजार कर। ये देखें, लगाने से पहले आप इस मुंह को पीछे कर लें ऐसे सीधा, क्योंकि लगाने में दिक्कत आएगी। जब आप हत्थी पूरी लगा रहे हैं तो फिर उसके बाद नीचे काट दें, उसमें फिटिंग हो जाएगी। अब देखिए, मैं आपको लगा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फिटिंग हो रही है यहाँ पर। ये देखिए, ऐसे मैंने कह दिया, इसमें फिटिंग हो रही है। ये देखिए, इसको यहाँ से टैड करें। ये देखें आप, कि थोड़ा सी हत्थी जो है बाहर आ गया। आपने क्या करना है, थोड़ी सी जगड़ाई यहाँ से आगे करनी है, जिससे हत्थी का मुंह अंदर चला जाए ऐसे। अभी ये हत्थी का जो, इसके हत्थी का मुंह पीछे है, हैंड हत्थी का पीछे है। जब आगे से जगड़ाई करेंगे तो पीछे आगे चल जाएगी, इसकी लाइन में सीधी हो जाएगी। अब देखिए, मैं इसको रगड़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब व्हील में लगाई थी हत्थी, हैंड हत्थी, तो इसका मुंह थोड़ा सा सख्त था, इसलिए मैंने रीति लगाने के लिए इसको लूज़ किया है, कि लूज़ करने के बाद मशीन की रनिंग अच्छी होगी। अभी देखिए, मैं इसको रगड़ाई करूँगा ऐसे। रगड़ाई करने का फ़ायदा ये होगा कि मशीन हौली हल्की और रनिंग की अच्छी होगी। देखिए, स्प्रिंग वर्क करेगा, देख रहे हैं आप स्प्रिंग। ये देखें, ये स्प्रिंग वर्क कर रहा है। ये देखें, मैंने हैंड हत्थी रगड़ाई करके इसको ठीक कर दिया है, और जिसका जो हैंड हत्थी का मुंह था वो दरमियान में आ गया, नज़र आ रहा है आपको। ये देखें, दरमियान में आ गया। और एक चीज़ को और भी आपने चेक करना है, कि ये जो सेंटर वाला पेच है, ये हत्थी का, हैंड हत्थी का जो सेंटर वाला पेच है, जो सेंटर पेच है, इसको स्टाम मोशन कहते हैं, पिछली से स्टाम मोशन। इन दोनों के दरमियान में जो हैंड वाला पेच है, जो काबला लगा हुआ है, बोल्ट लगा हुआ है, इसको सेंटर रखना है। अगर इधर करेंगे ज़्यादा तो फिर भी मशीन भारी चलेगी, अगर आगे की तरफ करेंगे तो फिर भी मशीन भारी चलेगी। इसको दरमियान में रखकर यहाँ से नीचे से टैड कर देना, फिर मशीन हल्की चलेगी और ज़ोर से चलेगी। अब तक के लिए इतना ही। इंदा वीडियो के लिए आप मुझे विज़िट करें, और ऐसे घुमा कर इसको रवा करना है।